नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में 14 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने उत्तर प्रदेश राज्य शासन के श्रम एवं रोजगार मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात की। मुलाकात करते हुए उन्होंने श्रम मंत्री से पदोन्नति में आरक्षण बिल पास कराने तथा पिछड़ा वर्ग को भी पदोन्नति में आरक्षण दिलाने और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पुरानी पेंशन बहाल करने जैसे मुद्दों को लेकर के बैठक में चर्चा की और ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर उन्होंने देश भर के दलित पिछड़ा सांसदों विधायकों से आग्रह करते हुए कहा कि सभी दलित और पिछड़ा सांसदों और विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सामने आकर आरक्षण को बचाने की मुहिम के साथ जुड़ना चाहिए। इस अवसर पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने आश्वासन देते हुए प्रतिनिधिमंडल से कहा कि हम अपने मुख्यमंत्री महोदय के साथ साथ केंद्र सरकार से भी इस बारे में चर्चा करेंगे और आने वाले समय में उचित कदम उठाए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं लखनऊ से हमारे रिपोर्टर विकास रावत की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।